आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे जो मेन अहम इसका कंपोनेंट है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, ये मैनेज एंड मॉनिटर करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूटिंग ऑन कंप्यूटर। जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस एक यूनिट ऑफ वर्क होता है सिस्टम में। सिस्टम बिकम्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। All these processes in all respects, yani process always needs some resources for its execution, yani process ko kuch resources chahiye hoti hain jiski madad se wo execute kare us process ko, jisme CPU time, memory, files and in output devices chahiye hoti hain. Process management mein hum kya kya kar sakte hain, scheduling karte hain process ki, creating and deleting both user and system processing, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस। रिज्यूम का मतलब होता है कोई प्रोसेस चल रहा था उसको हमने थोड़ी देर के लिए रोका और फिर उसको दोबारा एक्टिवेट कर दिया। मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म करते हैं हैंडलिंग ऑफ डेडलॉक सिचुएशंस। ये डेडलॉक का टॉपिक हम चैप्टर 6 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखें कि हम इसको हैंडल करते हैं। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, एवरी प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। हर प्रोग्राम जो होता है वो पहले मेमोरी में होता है फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है डिफरेंट मेमोरी एरियाज को टू डिफरेंट प्रोग्राम। पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो मैनेज मेमोरी इसका मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मेन जॉब ये होता है कि ये कीप ट्रैक रखता है पार्ट ऑफ मेमोरी को आर इन यूज एंड विच पार्ट आर इन नॉट यूज। ये मेमोरी को प्रोसेस को एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है जब टर्मिनेट हो जाती है। स्वैपिंग कर रहा होता है मेन मेमोरी से लेकर आता है और हार्ड डिस्क से जब इसमें स्पेस नहीं रहती। इसके एक्टिविटीज के कीपिंग ट्रैक, सबसे पहले पार्ट ऑफ मेमोरी आर बीइंग यूज्ड बाय विच प्रोसेस, फिर उसके बाद अवेलेबल फॉर एलोकेशन पार्ट ऑफ मेमोरी, फिर एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस टू द न्यू लोडेड प्रोसेस को, डी एलोकेट करता है, स्वैप आउट एंड स्वैप इन करता है। स्वैप आउट मतलब कि मेमोरी से बाहर ले जाता है, उसको वेटिंग में रख देता है, स्वैप इन मतलब कि वो रनिंग स्टेट में होता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा परमानेंटली सेव रहता है और इसको हम वोल्टेलाइट मेमोरी भी कहते हैं। इट इज टू ऑल्सो टू स्मॉल टू कम्युनिकेट ऑल डाटा एंड प्रोग्राम्स। मोस्ट प्रोग्राम एंड डाटा आर परमानेंटली स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस पे सेव होते हैं। These programs are loaded by operating system from secondary storage device into main memory. इसके भी activities होती हैं keeping track of how much and which type of secondary storage space available, storage allocation, deallocation, recovery of data information, disk management and scheduling. इसी तरह उसके बाद है file management करते हैं। File is a storage unit है and is a collection of related information. फाइल में सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सेट ऑफ डाटा होती हैं जो कि अनदर प्रोग्राम यूज कर सकता है। कंप्यूटर्स कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल मीडिया जिसमें मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसके अंदर हम फाइल्स को सेव कर सकते हैं। इसमें भी एक्टिविटीज क्या होती हैं कि हम फाइल ऑपरेशंस करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मैपिंग फाइल्स कर सकते हैं, अनटू स्टोरेज डिवाइस करते हैं, बैकिंग ऑफ फाइल्स करते हैं नॉन वोल्टेलाइट पे, फाइल प्रोटेक्शंस करते हैं टू कंट्रोल एक्सेस टू द फाइल्स। इसी तरह इन आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है कि कंप्यूटर कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू इट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन आउटपुट सिस्टम मैनेजेस एंड कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर ऑपरेशंस, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हैंडल्स करता है एरर्स को रीडिंग और राइटिंग के दरमियान में। मेन फंक्शन इसके ये होते हैं कि दैट इंक्लूड बफरिंग, कैशिंग एंड स्पूलिंग। ये सारी डेफिनेशन बफरिंग, कैशिंग एंड स्पूलिंग हम नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इसी तरह प्रोटेक्शन सिस्टम के अनऑथोराइज पर्सन ऑपरेटिंग सिस्टम को ना यूज कर सकें, जिस तरह हम पासवर्ड लगा देते हैं कि कोई भी हमारा सिस्टम लॉगिन होने से पहले वो मांगे। सिमिलरली इफ मल्टीपल एग्जीक्यूटिंग सेमेंटलीस इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग मस्ट बी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम ईच अदर्स एक्टिविटीज। मतलब कि अगर कोई प्रोसेस जा रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पर्पज होता है कि वो दोनों को। इसी तरह हमारे पास है नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सो दैट दीज रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। यानी को इन्फॉर्मेशन को हम मुख्तलिफ जगहों पे रख देते हैं उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें एक तो ये होता है कि हमारे पास